नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं गुजरात तक का यूट्यूब फेसबुक लाइव। आज हम बात करेंगे गुजरात के सूरत शहर की। सूरत शहर में ज्यादा बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। हम इस वक्त जो खड़े हैं, आपको दिखा रहे तस्वीरें, ये खाड़ी है जिसे मीठी खाड़ी भी कहा जाता है, और इस खाड़ी के ही पानी ने शहर के कई इलाकों को बाढ़ग्रस्त कर दिया। हालांकि राहत की बात यह है कि आज यानी कि चौथे दिन इस खाड़ी का जो पानी है, जो लेवल है, धीरे धीरे कम हो रहा है, और आसपास के इलाकों में जहां भी जल भराव था वहां पर पानी अब कम होता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहां के लोगों के लिए राहत भरी बात है। ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तीन दिन तक इस सड़कों पर यहां पर पानी भरा रहा था, लोगों की आवाजाही बंद हो चुकी थी, और यहाँ पर जो आवाजाही बंद होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन आज चौथा दिन है और चौथे दिन के अंदर यहाँ पर अब हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वाहनों की आवाजाही भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो ये तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं सीधे सूरत शहर के लिम्बायत इलाके की हैं। लिम्बायत इलाके का ही ये मीठी खाड़ी क्षेत्र है, जहाँ अब जो जल स्तर है खाड़ी के पानी का वो कम होता नजर आ रहा है और लोग अब सड़कों पर आ जा सकते हैं। यहाँ मीठी खाड़ी इलाके में आगे किस तरह की अभी हालात हैं, पानी तो कम हो रहा है लेकिन अभी किस तरह के और हालात हैं, हम आपको सीधे लिए चलते हैं उस इलाके की तरफ जहाँ पर पानी अभी भी भरा हुआ है। चलिए हम आपको ले चलते हैं। मीठी खाड़ी इलाके की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे अंदरूनी, जहाँ पर लोग अभी भी पानी में रह रहे हैं, उन्हें खाने पीने की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यहाँ इस इलाके में पहले जो पानी भरा था वो काफ़ी ज़्यादा था। आज जो है पानी का स्तर चौथा दिन है और चौथे दिन में पानी का स्तर काफ़ी कम हुआ है, तो यहाँ के लोगों के लिए राहत वाली बात ज़रूर है। ये आप देखेंगे कि ये तीन दिन तक यहाँ पर पानी, ये दुकानें हैं पूरी तरह से पानी में डूबी हुई थी, लेकिन आज चौथा दिन है, चौथे दिन के अंदर यह तस्वीर अब बदल रही है और लोगों के लिए राहत वाली बात भी है, क्योंकि सूरत के ऊपरी सतह में पानी जो है, बरसात जो है कम हो रहा है, और वो बरसात कम होने की वजह से यहाँ पर जल स्तर जो है सीधा कम होता नज़र आ रहा है। तो ये सूरत शहर के, हम बता दें आपको, लिम्बायत इलाके में, और लिम्बायत इलाके के साथ साथ पर्वत पाटिया, ऊना गांव, सारोली, ये तमाम इलाकों में खाड़ी का पानी भरा हुआ था, बाढ़ के हालात बन चुके थे। लेकिन अब आज चौथा दिन है सूरत शहर के इस हालातों को लेकर खाड़ी का पानी जो है लगातार कम हो रहा है और लोगों के लिए राहत की बात है। यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ, यहाँ के पार्षद भी हैं असलम साइकिल वाला जी, हम उनसे संभल लेते हैं। उन्होंने क्या कुछ देखा, असलम जी बताइए क्या कुछ आपने देखा यहाँ पर और कैसी लोगों की परिस्थिति रही? देखो, आप जो देख रहे हैं ये परिस्थिति छिले 5 दिन से है, और ये खाड़ीपुर, ये मैं मानता हूँ ये कुदरती नहीं है, ये मानव सर्जित खाड़ीपुर है। 27 साल से सूरत महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, हर 2-3 साल में समस्या आती है। लेकिन जो शासकों को गरीबों के लिए, श्रमिकों के लिए, मिडिल क्लास के लिए जो दृष्टि से काम करना चाहिए, वो काम करने में वो पूरी तरह से निष्फल गए, सफल नहीं हुए, ये उसकी साबिती है। आज कोरोना काल के अंदर लोग पहले आर्थिक रूप से टूट चुके हैं, परेशान हैं, मुश्किलें में हैं। आज 5-5 दिन से लोग काम धंधे बिना बैठे, आप देख रहे हैं कि यहाँ पावर नहीं है 5 दिन से, पानी की समस्या पीने की है, खाने की समस्या है। ये मीठी खाड़ी क्षेत्र का जो स्लम एरिया है, 8,000 से ज़्यादा घर उसको इफेक्टेड करे हैं। आज आदमी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे भी रहता है, पर नीचे 8 फुट 10 फुट पानी तो वो क्या करेगा? आप देख रहे हैं कि उसका काम धंधा सब टूट चुका है। नीचे के कम से कम 1,000 इस एरिया में दुकानें हैं, जो दुकान में कम से कम 10,000 से लेकर 1,00,000 से 1.5 लाख रुपये का नुकसान लोगों का हुआ है। गुजरात सरकार से अपील भी करता हूँ कि उनके लिए आर्थिक सहायता की घोषणा चाहिए, विचारना करना चाहिए और देना ही चाहिए। सूरत महानगर पालिका के शासकों को विनंती करता हूँ, क्या पक्षा पक्षी में, जाति न्याय जात में मत पड़ो। जो खाड़ी किनारे का जो इफेक्टेड एरिया है उसके लिए एक एक्शन प्लान बनाओ, और जो यहाँ की ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल फेल गई है, 40 साल पुराने ड्रेनेज सिस्टम है, वो ड्रेनेज, ये जो पानी है वो ड्रेनेज का पानी है, कोई कुदरती पानी भी नहीं है, इससे बीमारी फैलने का भी भय है। तो वो ड्रेनेज सिस्टम का नेटवर्क बदलने के लिए एक्शन प्लान बनाना चाहिए,
तीसरी बात बिल्कुल देखो, सूरत महानगर पालिका का जो तंत्र है 5 दिन से खड़े पांव खड़ा है, चाहे फायर स्टाफ हो, लिंबाय जोन का स्टाफ हो, आरोग्य का स्टाफ हो, उसको मैं दिल से सलाम करता हूँ, उनको अभिनंदन देता हूँ। मिसल कमिश्नर बच्चा निधि पाने के नेतृत्व में जो कामगिरी हो रही है वो मेरे लिए, मैं व्यक्तिगत नहीं मैं जहर पे बोलता हूँ कि बहुत बढ़िया है। 5 दिन से वो लगे हैं, लोगों की सेवा में खड़े हैं, उनका प्रयास है कि लोगों तक उनकी सेवा पहुँचती रहे, चाहे फूड पैकेट हो या रेस्क्यू ऑपरेशन हो। लेकिन तंत्र जो सक्षमता होना चाहिए वो इतना भी नहीं कि वो आम लोगों तक पहुँच सके। आप खुद देखो कि आम लोग तक जो खाने का समस्या है, आप जाएंगे तो कई असंख्य लोग अपनों को मिलेंगे, भाई मुझे खाना नहीं आया कि मुझे पानी तक नहीं आया। तो ये समस्या का निराकरण होना चाहिए, लोग काफ़ी मुश्किल में, काफ़ी परेशानी में। बिल्कुल असलम भाई, हम जरूर इस इलाके में आपके साथ चल रहे हैं और हम दिखा रहे हैं और लोगों से बातचीत भी करेंगे। लेकिन आप एक बात बताइए कि जिस तरह से, जहाँ तक मेरी जानकारी है, सूरत के ऊपरी सतह इलाकों में बारिश हो रही है और वो बारिश का पानी इस खाड़ी में आता है और खाड़ी का जो लेवल है वो बढ़ जाता है और पानी भर जाता है, इसमें मानव सर्जित आप कैसे नजर आते हैं? देखो उसका कारण है कि आप देखो कि खाड़ी का काम ब्यूटिफिकेशन का काम हुआ है, ये इसके लिए हुआ था कि कहीं ना कहीं जब भी ये पानी आता था तो इसको पानी को कंट्रोल किया जाए, पर ये ब्यूटिफिकेशन के काम में कहीं ना कहीं टेक्निकल कुछ ना कुछ खामी तो है, तो ये परिस्थिति सर्जाई। सूरत में कोई 20 इंच बरसात नहीं गिरा है ऊपरवास में कि जिसके लिए परिस्थिति, भूतकाल में गिरता था 10 इंच 15 इंच गिरता था तब ये परिस्थिति होती थी, आज इतना कहीं 20 इंच बरसात नहीं गिरा 5 दिन में, गिर रहा है कंटिन्यू, मैं ऐसा नहीं ना नहीं बोलता हूँ। और मानव सोच इसके लिए, जब पता है कि ये जो इफेक्टेड एरिया है, हर 2-3 साल में जब ऊपरवास में बरसात गिरता है कि सूरत सिटी में भी बरसात गिर, सिटी का भी कई इलाकों का पानी इसमें आता है, तो ये समस्या होती है। तो उसके लिए शासकों को जो दूरदर्शी से काम करना चाहिए वो नहीं कर सकते। ब्यूटिफिकेशन का काम में कहीं ना कहीं भी टेक्निकल खामी होगी। आज हम दूसरे इलाकों में देखो कि दूसरे जो बड़ी बड़ी महानगर पालिका जहाँ ये समस्या होती थी उसका निराकरण हो चुका है, लेकिन सूरत महानगर पालिका के 27 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये काम करने में शासक पक्ष बिल्कुल निष्फल गया है, सफल नहीं हुआ, वो इसकी साबिती है। जैसा कि आप खुद कह रहे हैं असलम भाई, 4-5 दिन से यहाँ पे हालात बने हुए हैं, आपकी आप भी पार्षद हैं और सामाजिक अग्रणी भी हैं, आपकी तरफ से यहाँ लोगों को किस तरह की सहायता पहुँचाई? देखो हमारे जो सामाजिक संस्था है खिदमत खल ग्रुप है, वो कंटिन्यू चले 5 दिन से फूड पैकेट है, पानी का पैकेट है, उसका वितरण कर रहा है। जंगल सभावा यहाँ की एक दरगाह है, उसके जो ट्रस्टी मंडल है उनके साथ मिलकर फूड पैकेट का कर रहे हैं। सूरत महानगर पालिका के भी जो फूड पैकेट है यहाँ के हमारे स्थानीय कार्यकर्ता उनको वो दे कर वो अपने रिश्ते लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि महानगर पालिका भी फूड पैकेट यहाँ पे पहुंचा रही है? बिल्कुल, देखो महानगर पालिका मैं बोल रहा हूँ 5 दिन तक खड़े पांव खड़ी है, मैं वो ना नहीं बोल रहा हूँ, उसके लिए मेरा कोई राजकीय आक्षेप नहीं है। सूरत महानगर पालिका का तंत्र बच्चा निधि पानी जी के नेतृत्व में सफाई कामदार से लेकर कमिश्नर तक का स्टाफ खड़े पांव है, और सूरत के ये नहीं सभी इलाके, जो भी इलाकों में पानी का जहाँ भरा हुआ है खाटीपुर का, वहाँ उनका सतत प्रयास है कि लोगों तक फूड पैकेट पहुँचे, पानी पहुँचे, रेस्क्यू हो, और अपनी जान में जोखिम में डाल के भी ये लोग रेस्क्यू कर रहे हैं, वो दिख रहा है हमको सामने, तो उनको सलाम है, उनको अभिनंदन देता हूँ। अगर महानगर पालिका काम कर रही है तो आपके काम कौन नहीं कर रहा है? देखो महानगर पालिका जो काम कर रही है वो ये 5 दिन से कर रही है, ये काम को आगे का विजन देख के करना चाहिए था कि जो भूतकाल के अंदर जो भूले हो रही थी उसको सुधारने का इनको करना था, और 27 साल से इनका शासन है तो भी इनकी इनको भूले समझ में नहीं आए कि ये समस्या कायम है, तो इसका किस तरह से निराकरण करना चाहिए है। असलम भाई आप एक बार फिर बताइए किस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पर करने की और जरूरत है भविष्य में पानी से बचाने के लिए? पहली बात तो पानी उतरेगा, उसके बाद आरोग्य विभाग को टोटल काम युद्ध के धोरण पे करना पड़ेगा, और मैं मानता हूँ वो तैयारी भी इनकी है। अब जो ये मसला जो है वो ड्रेनेज नेटवर्क से लेकर है, क्योंकि ड्रेनेज नेटवर्क 40 साल पुराना और बिल्कुल अब फेल हो चुका है, तो सूरत महानगर पालिका के तंत्र को एक मास्टर प्लान बना के इसको एक्शन प्लान करके इसको तात्कालिक ड्रेनेज नेटवर्क को चेंज करना चाहिए पूरे स्लम एरिया का। तो मैं मानता हूँ कि ये आने वाले दिनों में इससे तकलीफ इतनी जो भी पड़ रही शायद नहीं पड़ेगी। दूसरा, जो ब्यूटिफिकेशन का काम हुआ है उसको भी चेक किया जाए कि कहाँ खामी रह चुकी है, या उसको और थोड़ा ऊपर करना है तो उसको ऊपर करें, खाड़ी को ड्रेजिंग करें, क्योंकि जो खाड़ी का कोरोना काल की वजह से हर बरसात के पहले खाड़ी ड्रेजिंग होती थी मई महीने में, लेकिन इस बार कोरोना काल जब मार्च अप्रैल मई में बर्ड टॉप पे था तो वो खाड़ी ड्रेजिंग नहीं हो पाई, शायद उसी की वजह से भी मेरा मानना है कि समस्या ज़्यादा आई है। तो बिल्कुल ही असलम भाई, साइकिल वाला जो कांग्रेस के पार्षद हैं सूरत महानगर पालिका में और एक समाज सेवक जो हमारे साथ जुड़े थे, जो जिस तरह से लोगों को यहाँ पर मदद कर रहे हैं, तो सूरत शहर के मीठी खाड़ी इलाके की जो तस्वीरें हमने आपको अपने कैमरे के जरिए दिखाई हैं।